नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। भारत में कांग्रेस दलितों, शोषितों और पिछड़ों का दुश्मन है, ऐसा कहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु पासवान ने। खास करके उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन पर भी कई सारे निशाने दागे और कई सारे सवाल भी उन्होंने किया। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है, एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये षड्यंत्र क्या है? वंचित, शोषित और पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनकी हकमारी करने का प्रयास हो रहा है। आरक्षण और संविधान को राजनीतिक हथकंडा बनाकर के उपयोग कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया था, मनमोहन सिंह ने आधिकारिक रूप से, विधिवत रूप से, सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। हम पूछना चाहते हैं बिहार में महागठबंधन के ताकतों से, राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस के लोगों से, अगर आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, गरीबों का है, तो हमने स्वागत किया होता। संवैधानिक रूप से जो आरक्षण हम लोगों को प्राप्त है, ये मुस्लिम समाज को देने का प्रयास जारी है। उदाहरण है, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को काट करके मुस्लिम समाज को दिया गया। अभी अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने यही किया, सभी मुसलमान समाज की जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी भाई और बहनों का आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया गया। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला भाषण हो रहा था सदन के पटल पे, उन्होंने तभी कहा था कि देश में जो सरकार बनी है, इस सरकार के केंद्र में कौन होगा, तो गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित रहेंगे। बिहार के और अखिल भारतीय स्तर पे इंडिया अलायंस के जितने भी सामाजिक न्याय के ज्ञाता हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, मैं खुली चुनौती देता हूं कि आइए बहस करें। आप संविधान के बदलने की बात करते हो? आपके पास क्या नैतिक अधिकार है? इस देश में आपातकाल लगाने वाले आप, इस देश में संविधान के मूल स्वरूप, संविधान के आत्मा को परिवर्तित करने वाले आप, 42वां संशोधन किसने लागू किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके आपने संविधान के मूल आत्मा को बदलने का प्रयास किया। तो संविधान की मूल धारा को बदले आप, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करें आप, बाबू जगजीवन राम को अपमानित करें आप, सीताराम केसरी, ओबीसी समाज के आने वाले आपके अध्यक्ष को अपमानित करें आप, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको एक ग्लास पानी पीना था, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों के सामंती मानसिकता का आप व्यवहार देखो, उनको पानी पीना था, वो खुद नहीं पानी पिए। पहले राहुल जी आप पानी पियेंगे क्या, सोनिया जी आप पानी पिएंगी क्या? तो कांग्रेस में दलितों की क्या स्थिति है आप कल्पना कर सकते हैं। इतिहास गवाह है साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर हो, बाबू जगजीवन राम को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि बाबू जगजीवन राम को बोलना पड़ा। सार्वजनिक रूप से एक पुस्तक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, इस पुस्तक की लेखक है नीरजा जी। नीरजा जी ने उस पुस्तक में लिखा है कि बाबू जगजीवन राम त्रस्त होकर के कहते हैं कि इस देश में एक दलित समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप ओबीसी एससी एसटी करते हैं, इन सभी प्रांतों में जहां कांग्रेस की सरकार है, कितने ओबीसी समाज के सेक्रेटरी हैं, कितने ओबीसी समाज के मंत्री हैं, कितने एससी समाज के सेक्रेटरी हैं? जहां आप शासन में हैं, जहां आप सरकार में हैं, वहां तो आप भागीदारी देंगे नहीं। साथियों, ये षड्यंत्र है, ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है देश में आरक्षण और संविधान के नाम पे, जिसके लिए उनको एक्सपोज करना अति आवश्यक हो गया है।